स्टूडेंट्स बच्चों, जो हमारे दो समास बच गए थे कौन कौन से, कर्मधारय और द्विगु समास, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हमारा समास का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जो हमारा पांचवा है कर्मधारय समास, जो कि तत्पुरुष का उपभेद है। द्विगु और कर्मधारय किसके उपभेद है? तत्पुरुष के। तो कर्मधारय समास में, जैसा कि तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा था कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है, तो वैसे ही ये भी उसी का उपभेद है। तो इसमें भी, कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान होगा। और इसकी आसान सी जो पहचान है वो है कि इसमें या तो विशेषता बताई जाएगी या फिर किसी की तुलना की जाएगी, या किसी वस्तु की विशेषता बताई जाएगी या किसी वस्तु की तुलना की जाएगी। अब देखिए, विशेषता का एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे पीतांबर। पीतांबर शब्द का जब हम विग्रह करेंगे तो होगा पीले है जो वस्त्र। अब यहां पर वस्त्र की विशेषता बताई गई है, ये इसका विशेषण है पीले। तो जहां विशेषता बताई जाए वहां क्या होगा? कर्मधारय समास। दूसरा उदाहरण हम तुलना का लेते हैं, चंद्रमुखी। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख वाली। अब यहां पर मुख की तुलना की गई है किससे? चंद्रमा से, कि चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुख की तुलना की गई चंद्रमा से। तो अब यहां एक प्रश्न अराइज होता है क्वेश्चन, कि कई बार पूछ लिया जाता है कि उपमान और उपमेय क्या होता है। तो वो इसी समास से संबंधित है। उपमान होता है जिस वस्तु से तुलना की जाए, और उपमेय होता है जिस वस्तु की तुलना की जाए। तो यहां पर किससे तुलना की जा रही है? चांद से। तो चांद जो है वो उपमान होगा, और किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। तो मुख यहां पर उपमेय होगा। तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिस वस्तु से की जाती है वो उपमान होता है। तो कर्मधारय समास वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान और जिसमें या तो विशेषता बताई जाए या फिर तुलना की जाए, तो वो होगा हमारा कर्मधारय समास। अब हम पढ़ते हैं इसका द्विगु समास। सिक्स हमारा द्विगु समास। द्विगु समास का पद में तो वही रहेगा कि दूसरा पद प्रधान, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का भेद है, तो इसका भी दूसरा पद ही प्रधान रहेगा। लेकिन इसकी आसान सी पहचान क्या होगी? कि इसमें पहला पद संख्यावाची होगा। संख्या मतलब गिनती, तो पहला पद गिनती वाला होगा। जैसे चौमासा, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चार मासों का समूह, समूह या समाहार लिख सकते हैं। तो यहां आ गया चार, तो पहला पद क्या हो गया? गिनती वाला हो गया। पंचवटी, पांच वटों का समूह।
तो आ गया पहला पद संख्यावाची, पांच वटों का समूह द्विगु समास। पंजाब, पांच आबों का समूह, आब मतलब नदियां। सतसई, अब जो सतसई है इसका विग्रह होगा सात सौ दोहों का समूह। और ये एक बिहारी जी की रचना है सतसई, जिसमें 700 दोहे हैं, तो 700 दोहों का समूह। तो पहला पद संख्यावाची आ गया, मीन्स द्विगु समास हो गया। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। तो जहां भी हमारा पहला पद संख्यावाची आ जाए वो हमारा होगा द्विगु समास। अब हम अंतर समझेंगे किसका किसके साथ, द्विगु समास का और कर्मधारय का, और कर्मधारय और बहुव्रीहि समास का अंतर समझेंगे। कई बार हमें ये गलत फहमी हो जाती है कि इसमें कौन सा समास करना चाहिए, तो उसके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि जो हमारा कर्मधारय है ठीक है, हाँ कर्मधारय समास का बहुव्रीही के साथ और द्विगु समास का भी बहुव्रीही के साथ क्या होगा कि कई बार हमें लगता है कि ये कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, अभी हम एक कर्मधारय समास का लेते हैं पीतांबर शब्द। अब देखिए पीतांबर शब्द का हमने कर्मधारय में किया था पीला वस्त्र है जो, और इसका दूसरा विग्रह हम करेंगे पीले वस्त्र है जिसके। अब जिसके करते ही हमारा अर्थ बदल गया, मतलब कि कृष्ण के। यहां तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर दिया इसने, तो यहां पर आ गया अर्थात कृष्ण, तो ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीही समास। और अगर हमने यहां पर पीला वस्त्र है जो किया है इसका विग्रह, तो ये हमारा होगा कर्मधारय समास, क्योंकि यहां पर वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है और यहां पर ये किसी अन्य अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो ये आपके समास विग्रह करने पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा समास माना जाएगा। यदि आप पीतांबर का विग्रह करते हैं पीला वस्त्र है जो, तो कर्मधारय समास होगा, और यदि आपने किया पीले वस्त्र है जिसके अर्थात कृष्ण, तो ये आपका बहुव्रीही समास होगा। तो ये आपके विग्रह पर निर्भर करता है। ऐसे ही आप द्विगु समास का लीजिए, द्विगु में हम कहते हैं कि पहला पद संख्यावाची होता है, तो हमने दशानन ले लिया और जब इसका हमने विग्रह किया तो दस मुख है जो। तो अब यहां पर पहला पद संख्यावाची और हमने किया है जो, तो मतलब कि ये क्या हो गया, पहला पद संख्यावाची होने के कारण द्विगु समास हो गया। लेकिन जब हमने इसका विग्रह कर दिया दस मुख हैं जिसके, तो अब ये क्या हो जाएगा, किसके हैं, रावण के हैं। तो अब यहां पर ये हो गया हमारा बहुव्रीही समास। तो ये दोनों का अंतर था। ये हम अंतर किस प्रकार करेंगे, हम देखेंगे कि हमने इनका विग्रह किस प्रकार किया है। विग्रह किया जिस प्रकार किया है वही हो जाएगा हमारे। अगर हमने दस मुख है किया तो द्विगु समास, और दस मुख है जिसके अर्थात रावण, जैसे ही तीसरे अर्थ को प्रकट किया तो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम विग्रह के आधार पर पता लगाएंगे कि ये कौन सा समास है। आशा करती हूँ समास का चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।